अज्ञात वाहन से वृद्ध की हुई दर्दनाक मौत। जी हां, यूपी के पीलीभीत जिले के थाना सेरा मोतरी क्षेत्र के पुलिस चौकी गढ़वा का मामला है, जहां गढ़वा खेड़ा निवासी मृतक समुद्दीन बहुत गरीब व्यक्ति है, जो गढ़वा खेड़ा में हाईवे रोड के किनारे वाहनों के पंचर जोड़ने का काम करते थे। दिन भर में जो भी पैसा कमाते थे, बस उसी से परिवार का भरण पोषण चलता था। कल रात मृतक समुद्दीन किसी काम से हाईवे NH 730 रोड पार कर रहे थे, तभी पूरनपुर की तरफ से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पंचर मिस्त्री समुद्दीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कुछ देर बाद जब रोड से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि रोड पर खून से लथपथ एक शव पड़ा है, तो वह डर कर भाग निकले। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को नहीं दी। कुछ ही देर बाद थाना सेरा मोतरी थाना अध्यक्ष आशुतोष रघुवंशी जी पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। मौके वारदात पर लोगों की भीड़ जुट गई, जो भी मृतक के शव को देखता उसकी रूह कांप जाती थी। बताया जाता है कि मृतक समुद्दीन की उम्र लगभग 70 वर्ष थी। मृतक के 5 बच्चे थे, जिसमें 3 पुत्र 2 पुत्री। मृतक ने अपने 4 बच्चों की शादी की थी, 1 पुत्री अभी अविवाहित है। मृतक की खबर जैसे ही परिवार वालों को लगी, सभी परिजन मौके वारदात पर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए सिरामोत्री से आजाद की रिपोर्ट। इधर से सर आएगा ही रहा है, वो रहा है इंडिका और क्या, वो सिर्फ डिजार्ट कर रहा है इधर को भी है। जब इनके टक्कर लगी ना, हम लोग बाहर खड़े रहे। हम कहें लोग कुत्ता है, जब दूसरी गाड़ी लाइट भरी तो जब वो कोई थोड़ा मालूम होती है। हेलो, कोई है पूरी गाड़ी ने।